नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। आज से सिटी पूरी तरह अनलॉक हो रही है। इसके साथ ही एसटी बस स्टैंड में खड़ी बसें आज पूरी तरह रफ्तार से दौड़ेंगी। अनलॉक होते ही यात्रियों के लिए अब एसटी बसों में सफर करना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार ने 15 अप्रैल से सामान्य यात्रियों की यात्रा करने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद एसटी की सैकड़ों बसें स्टैंड पर धूल खा रही थी। सोमवार से बसों में सामान्य यात्रियों को भी यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। एसटी मैनेजर ने यात्रियों के लिए सोमवार से 300 बसों को चलाने का फैसला लिया है। अनलॉक हुए सभी जिले में एसटी बसें जाएंगी। वहीं जहां कुछ छूट मिली है, उन जिलों में भी यात्रियों को बस पहुंचाएंगी। सोमवार को इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएंगी। एसटी बस स्टैंड के इंचार्ज दीपक तामगाड़गिन का कहना है कि अब सामान्य यात्रियों के लिए एसटी बस की सुविधा उपलब्ध होगी। लॉकडाउन के दौरान एसटी बस से केवल 20 से 30 बसों का ही संचालन हो रहा था। अब लॉकडाउन खुलने के बाद बस स्टैंड से करीब 300 बसों का संचालन किया जाएगा। पहले बस स्टैंड से 10% ऑपरेशन हो रहे हैं, सोमवार से यह 25% हो जाएंगे। वही उम्मीद जताई जा रही है कि अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 15 जून से बसों की संख्या में और भी बढ़ोतरी की जा सकती है। लंबे इंतजार के बाद एसटी बस स्टैंड सामान्य यात्रियों के लिए खुला रहा है। ऐसे में लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। वहीं मैनेजमेंट को भी बस स्टैंड पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी होगी।